हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अफहाम खलाइक अम्बिया के कमालात को देख करके हैरत ज़दा हैं, यानी पूरी कायनात की अकलें उनके फहम व इदराक अम्बिया की शानों को देख करके हैरत ज़दा हैं कि वो अम्बिया की अजमतों की कुना तक नहीं पहुँच पाते। अपनी सारी सलाहियतों से, अपने इल्मी कमालात से अगर वो देखना चाहें तो वो बेबस नज़र आएंगे और नबियों की शानें बहुत ऊंची और बहुत बुलंद व बाला दिखाई देंगी। तो कहा अफहाम खलाइक अम्बिया की अजमतों के सामने हेच हैं और वो बेबस हैं। और फिर फरमाया कि सारे नबियों की ये फहम व इदराक मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों के आगे हैरान और शशदर है। अल्लाह ने जो हुजूर को अजमतें दी हैं वहाँ अम्बिया भी हैरान खड़े हैं कि क्या शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता की। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियाँ जुल्फ़ा वाला सी जड़ा अरश तो भी लंघ पार गया। वो अजमतें अता फरमाए तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अलाबाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु वरफ़ा अबादहुम दराजात। कहा ये रसूल हैं जिनको हमने एक दूसरे पर फजीलतें अता की हैं, किसी को कोई अजमत किसी को कोई शान अता की, लेकिन किसी ने रब से कलाम किया, कोई फजीलतों से माला माल किया गया, लेकिन कोई ऐसा भी है जो अजमतों में सबसे ऊपर निकल गया। अल्लाह अकबर, वो शानें अता की गई, वो रिफ़तें अता की गई। तो फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ, वो आना हामिल लिवाइल हम्द यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में हो। तहतहु आदम फमन दूनहु वला फ़ख्रा। ये जिन नबियों का तुम जिक्र कर रहे हो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक, ये सारे के सारे नबी मेरे झंडे के साए तले खड़े होंगे और ये झंडा मेरे हाथ में होगा। वला फ़ख्रा, और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। वाना अव्वलो शाफ़िम व अव्वलो मुशफ़ा, सबसे पहले शफात मैं करूँगा और सबसे पहले शफात मेरी ही मकबूल होगी। अल्लाह अकबर, यौमल क़यामा क़यामत के दिन हुजूर सबसे पहले शफात का दर खोलेंगे जब पूरी कायनात थर थर कांप रही होगी। अम्बिया के पास लोग जाएंगे और कहेंगे कि हमारी कुछ मदद कीजिए, तो वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, ये मेरा काम नहीं, किसी और के पास जाओ। तो फिर वो दूसरे नबी के पास, तीसरे नबी के पास, चौथे नबी के पास, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक दर बदर मखलूक जाएगी और एक एक नबी की चौखट पे जाके कहेगी हमारी कुछ मदद कीजिए, तो वो क्या कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरा काम नहीं है, किसी और के पास जाओ। और वो कहेंगे नफसी नफसी, मैं तो अपनी जान के हवाले से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुजार हूँ। फिर क्या होगा कि दुनिया फिर हैरान खड़ी होगी, अब किस दर पर जाए, तो मेरे हुजूर तशरीफ़ ले आएंगे। सारे नबी ये कह रहे होंगे ना इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हदीस उठाइए, हुजूर जब तशरीफ़ लाएंगे तो हुजूर कहेंगे आना लहा, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, उड़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, महशर का नक्शा बदल जाएगा। हम सवेर से शाम तक हुजूर के तराने पढ़ते क्यों हैं, गीत गाते क्यों हैं, हमें पता है कि हशर के दिन काम हुजूर ने आना है, औखे वेले हुजूर की मदद हमें दरकार हो। तो फिर हुजूर फरमाएंगे आना लहा, मैं हूं तुम्हारे लिए, और फिर आका करीम सजदे में सर रखेंगे, आवाज आएगी इरफा रासक या मोहम्मद सलतोता वशफ तुशफ़ा, हुजूर सर उठाइए, मेरे महबूब सरे अनवर को उठा लीजिए, जो मांगेंगे अता करेंगे, जिसकी सिफारिश करेंगे कबूल करेंगे। तो हुजूर सर उठा कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, तो अल्लाह ताला कहेगा महबूब जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसकी भी मग़फ़रत की। तो हुजूर फिर सजदे में सर रखेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, तो अल्लाह फरमाएगा जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है बल्कि इससे भी कम ईमान है मैंने उसकी भी मग़फ़रत फरमाई। हुजूर बार बार सजदा करेंगे, चार सजदे करेंगे हुजूर हशर के मैदान में, और फिर बारगाह इज़्ज़ती में अर्ज़ करेंगे मालिक मुझे इख्तियार ही दे दे। तो कयामत के दिन फिर हुजूर की शफात शफात कुबरा होगी। खुद फरमाए शफाती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे,
वसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो हशर के दिन हुजूर काम आएंगे दुखियों के, लाचारों के, गुनहगारों के, मजबूरों के। तो फरमाया कि कयामत के दिन मैं सिफारिश सबसे पहले करूँगा और मेरी सिफारिश सबसे पहले कबूल होगी, फिर बाकियों को इज़्ने सिफारिश होगा। अम्बिया भी सिफारिश करेंगे, औलिया भी सिफारिश करेंगे, हुफाज भी सिफारिश करेंगे, उलमा भी सिफारिश करेंगे, बूढ़े भी सिफारिश करेंगे, वालदैन औलाद की सिफारिश करेंगे, तो फिर सिफारिश का बाब खुल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये कुंडी मेरे हुजूर खोलेंगे। अल्लाह अकबर। तो फरमाइए शान अल्लाह मुझे देगा, वला फ़खरा और मैं इस पर नाज नहीं करता। वान अव्वलो मन युहर्रिको हिलकल जन्नत यफ्तहुल्लाहुली, कयामत के दिन जन्नत का कुंडा मैं खोलूँगा और मेरे लिए जो है वो मैं उसको हरकत दूंगा, दरवाजे पे दस्तक दूंगा, वो कुंडा मेरे लिए खोला जाएगा। फयुदखिलनिहा वा माया फुकराउल मोमिनीन, और वो मेरे लिए जब खोला जाएगा तो मेरे साथ जन्नत में मैं जब दाखिल होऊंगा तो मेरे साथ अहले ईमान के फ़कीर लोग होंगे, मिस्कीन और गरीब लोग होंगे। अल्लाह अकबर। अगरचे यहाँ दुनिया के ऊपर रहते हुए फ़ुकारा मसाकीन बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है और वो बेचारे सारी ज़िंदगी यूँ काट देते हैं, लेकिन ये 60-70 साल की टोटल ज़िंदगी है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे साथ जब जन्नत में दाखिल होंगे तो मेरे आसपास, मेरे अतराफ में मेरी उम्मत के मिस्कीन लोग ही होंगे। ये कितना बड़ा एजाज़ है, कितनी बड़ी तसल्ली है। वला फ़खरा और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाह वला फ़खरा, और जितने भी माजी में गुजर गए हैं जो आने वाले हैं सब में से अफजल अगर किसी ज़ात को बनाया है तो रब ने मेरी ज़ात को बनाया है और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता हूँ। तो ये शाने हैं मेरे और आपके आका मौला हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत की। तो ये मुख्तसर से लम्हात, उनकी शानों का हक कैसे अदा करें और हमारी ये मजलस सारी रात भी बप्पा रहे फिर भी हक अदा ना हो, ये एक हाज़िरी है हमारी। सारी ज़िंदगी उनके औसाफ़े हमीदा बयान करते रहें फिर भी आखिर में सांस टूटने लगे तो यही कहना पड़ेगा, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहू बादस खुदा बुज़ुर्ग तुही, किस्सा मुख्तसर। किताबें लिखें शाम से सवेर तक, सवेर से शाम तक, कोई और मसरूफियत ही ना हो, हुजूर की मदा लिखना शुरू कर दें तो आखिरी सफ़े पर यही लिखना पड़ेगा, तेरे औसाफ़ का एक बाब भी पूरा न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। असी की जहूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है, सूरतां सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के ले आवां कितों सोना तेरे नाल दा। हमने अपने बड़ों से सुना है एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है, तो सारी जिंदगी भी उनके नाम के वजीफे पढ़ें, उनका जिक्र करें, उनके कसीदे पढ़ें, उनकी मदह में सारी ज़िंदगी रतबुल लिसां रहें।